सब कह रहे हैं कि फौज में जाने का एक जुनून था, और इसलिए जुनून था कि वाकई हमारे देश के युवा ही सच्चे देशभक्त हैं, इसलिए जुनून था। लेकिन अगर फौज में नहीं जा पाए तो मैं इनको एक सलाह देता हूं ऑन कैमरा कि कम से कम एज तो निकल गई नौकरी की, कोशिश करना कि मंत्री नेता बन जाए और बॉर्डर पे जाकर टोपी लगा के फौज के वाले के बीच में कम से कम खड़ा आ जाऊँ बिना पढ़े लिखे ही, जैसे लोग बाग खड़े हो रहे हैं फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई हेलमेट यूं लेके चल रहा है, कोई वर्दी यूं लेके, पूरी ट्रेनिंग करके फोटो खिंचवाने आते हैं लोग, समझ तो आप गए होंगे। जब कहते हैं कि हम 2024 में मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, आप उखाड़ भी देंगे तो क्या उखड़ेगा उन लोगों का? जितने भी मंत्री नेता बने हुए सबके पेंशन मिलेंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब फ्री है, सफर तो अल्टीमेटली उनका तो जीवन, बाकी जीवन आराम से गुजरेगा, लेकिन इनका जवानी के अंदर जो दहलीज पे पांव ही रखा है इन्होंने, इनका जीवन कैसे गुजरेगा? क्या जो इम्पैक्ट है उन नेताओं मंत्री पे पड़ेगी जो 10 साल से मंत्री रह के चले भी गए, क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो इनके सामने पहाड़ बन के खड़ा होगा जो रोजी रोटी फिर कमाए, एज तो निकल गया होगा। कोई भी सरकार आएगी अगर किसी भर्ती का एज लिमिट 26 है तो वो 29 नहीं कर देगी, वो 29 नहीं कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं जेहन में जिसने इनकी जिंदगी बर्बाद करी है उसकी छवि या फोटो लगा के जिंदगी और माला चढ़ाएंगे ये मंत्री जो भी आते हैं, फौज भी ड्रेस व्रेस पहनते हैं, ये सब करते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके फादर साहब कारगिल में शहीद हुए हैं, वो बच्चे भी हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारे साथ में 1.5 लाख में कई लड़कियां भी रही हैं, MNS भर्ती वाली लड़कियां रही हैं, CMP में गर्ल्स थी तो वो भी रिक्रूटमेंट वाली हैं, तो उनके साथ भी गलत हुआ है, तो ले दे के सबका बेड़ा गर्क कर रखा है सरकार ने। हमारे नौजवान जिनका अभी से पॉलिटिकली कैसे इस्तेमाल करना है 2024 के इलेक्शन में, तो अब सारी जातियां खत्म हो गई, अब युवा सामने खड़े हैं, बेरोजगार प्रजाति के, महिला इनकी माँ होंगी, कई के महिला ही माँ होती है, गरीब इनके पिताजी होंगे और कई के पिता किसान हैं, तो चारों प्रजाति यही खड़े हैं ना जिनकी नाम ले रहे हैं। कई बच्चे हैं जिन्होंने 2014 से पहले घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगा करके मोदी साहब आपको सिंहासन पर बिठाया, ठीक बात बोल रहा हूँ बच्चों का? बोलो, ये वही बच्चे हैं, यही यूथ हैं, अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो 2024 में। दोस्तों नमस्कार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पीछे ही जातियों की बात की, PM मोदी पहले अपने आप को OBC कहते रहे और कई सभाओं में कहा कि मैं OBC हूँ, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात हुई, सेंसस की बात हुई, तो अब कहते हैं देश में महज 4 जातियां मैं मानता हूँ, गरीब, युवा, किसान और महिला। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कुछ नया रिकॉर्ड बनाया है, तो एक नई प्रजाति से मिलाता हूँ। ये प्रजातियां हैं बेरोजगारी की, जो बेरोजगारों की, जो मोदी जी ने डेवलप किया है पिछले 9 सालों में। मैं बात करता हूं इन, जो मेरे पीछे युवा खड़े हैं, ये एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए थे, कितनी मेहनत खड़ी होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब, 4 जातियां की रही ना, गरीब, ये उन्हीं गरीबों के बच्चे भी हैं, तो गरीब और युवा आपके सामने खड़ी है, और कोई ना कोई महिला इनकी माँ भी होंगी, तो वो महिला भी इनको साथ में जोड़ लीजिए आप। और किसान, तो भारत कृषि प्रधान देश रहा है तो इसमें से किसान के भी बच्चे होंगे, तो चारों जाति एक साथ मिलवा रहा हूं, और इन चारों को मिला करके एक नई प्रजाति, बेरोजगारों की प्रजाति जो मोदी साहब ने बनाई है पिछले 9 सालों में, उनसे मिलवाता हूं। और फिर बताता हूं कि मोदी जी ने जो 2 करोड़ जॉब का वादा किया था, और जो भक्त और जो समर्थक कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, उस प्राइवेटाइजेशन होने के बाद लोगों को जॉब क्या मिलेगी, लेकिन उस पर बाद में आऊंगा, पहले बात मैं युवा से करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? चंपारण से आप चल के यहाँ पे आए हैं, सत्याग्रह का नाम दिया आपने, पैदल यात्रा करके आए यहाँ तक, सर क्या वजह क्या है? अच्छा, ये सर हमारी 2021 के दौरान हमारी आर्मी की भर्ती कराई गई थी, उसमें हमने तकरीबन सारी प्रक्रियाएं पार कर चुकी है, हमारा खाली एग्जाम ही बचा था, उसी दौरान सरकार ने हमारा एग्जाम कैंसिल कर दिया और हमारे पेट पर लात मारी है। जाहिर सी बात है, हमारे घर वाले भी हमसे परेशान हैं, हम भी खुद परेशान हैं, क्योंकि एग्जाम कैंसिल कर दिया। बिल्कुल सर। एंड हाउ मेनी मंथ्स यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, कितने साल से आप तैयारी करते रहे इस चीज की? सर मैंने 2009 से तैयारी की करीबन। आपके फादर क्या करते हैं? सर खेती करते थे, बस मजदूरी के, तो तैयारी गाँव में कर रहे थे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे देश के युवा किस तबके से आते हैं, मैं उस गरीबी को आपको दिखाना चाहता हूँ, कैसे माँ बाप जो शिक्षा के प्रति जागरूक है क्या क्या बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके पिता खेती करते थे, कहाँ रह के आपने पढ़ाई करी? सर मैंने घर पर ही रह कर पढ़ाई की थी सर, मैं काम भी करता था एक होटल में। अच्छा। नाट की ड्यूटी करता था सर, और पिताजी मजदूरी भी करते थे, खेती भी करते थे,
और पैसों भी थी तो खैर बहुत कमी थी सर, लेकिन मेरी माँ ने मुझे थोड़े से जेवरात दे, उन्होंने वो गिरवी रखे और मुझे पैसे दिए थे सर कि ये ले और मेहनत कर। तो सर मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया, पूरा 100% दिया और सर मैंने सब कुछ प्रक्रिया मेरे सभी भाइयों ने एग्जाम कैंसिल हो गई जी सर, हुआ नहीं उसके बाद नहीं हुआ सर, एग्जाम ही नहीं हुआ नहीं सर, एग्जाम ही नहीं हुआ नहीं सर नहीं हुआ। एक युवा मैं मान के चलता हूँ कम से कम 3 से 4 साल ट्वेल्थ के बाद इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, इन्होंने एक एम्बिशन बनाया होगा, एक ऑब्जेक्टिव बनाया होगा कि मुझे फलाने सेक्टर में जाना है। अब सोचिए जब एग्जाम होने वाला हो कैंसिल हो गई कोविड की वजह से, बताया गया सर कोविड ही बता रहे थे अभी तक तो कि कोविड आया, अभी थोड़ा टाइम और रुक जाओ, 1 महीने का टाइम दिया, 15 दिन का दिया, 2 महीने का दिया, ऐसे ऐसे कर करके सर 2 साल 3 साल व्यतीत कर दिया। एज निकल गया कि है ये बताओ सर, मेरी अभी 26 एज है तकरीबन निकल चुकी है मेरी, क्योंकि 21 एज है अभी अग्निवीर में, तो उससे सर हम ओवर एज हैं, तकरीबन सभी भर्तियों से ओवर एज हैं सर। आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो ये हैं हमारे देश के युवा जिस जाति के हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, और बात इसलिए करते हैं कि 64% आबादी मौजूदा भारत की युवा है, और इन युवाओं को लुभाने के लिए भाषण और करने में बहुत फर्क होता है। अच्छे दिन आएंगे कहना बहुत आसान है, लेकिन आएंगे कब? बहुत हुई महंगाई की मार, कहना बहुत आसान है लेकिन आएंगे कब? महंगाई कब कब हो गया, और बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहने वाला कोई है नहीं आज के वक्त। खैर आप भी, आप कहाँ से आए ये बताइए? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से आया हूँ। अच्छा। मैं 2000 लगभग 2013 से तैयारी करना शुरू किया था, और 2015 में हाईस्कूल किया, फिर मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने NCC सी सर्टिफिकेट लिया, जिससे आर्मी में एग्ज़ाम नहीं होता है, मेडिकल और रनिंग होती है, वो सब करके मैंने सारा कुछ पास कर लिया था। फिर 2021 में ये भर्ती आई, उसमें मैंने सारा कुछ पास करने के बाद 2000 बोला गया कि अभी कोविड चल रहा है, उसके दरमियान जो वेबसाइट होती है आर्मी की उस पर देते गए कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा 2022 जून जुलाई, फिर ऐसे ही 1 साल तक रखा हमें भ्रम में, जब हमारी एज थी उस टाइम, एज थी जो आर्मी की नोटिफिकेशन में होती है 17 से 23। अभी एज बची है? नहीं बची है, बची तो है, लेकिन अब सरकार ने जो स्कीम लाए हैं उसके तहत तो बिल्कुल भी नहीं बची। यही मैं सुनना चाहता हूँ, अग्निवीर का जो स्कीम लाया है जिसमें एज कैपिंग उस पर दिया गया है, तो उसके तहत अब इन लोगों की भर्ती जो जिनकी एज है उनकी तो हो सकती है, लेकिन जिन्होंने साल दर साल 5 साल मेहनत किया वो किसी काबिल नहीं बचे हैं आप। खैर हमारे साथ चौहान साहब हैं, आप फौजी रहे हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि क्या अग्निवीर का जो विरोध चल रहा है, इनकी तो जीवन उन्होंने वो खा गए। भाई साहब एक मिनट इधर हो, बीच में जाया मत, प्रोग्राम के बीच। अग्निवीर जो उन्होंने शुरू करी है, युवा विरोध करना चाह रहे हैं लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे हैं, आज का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि डर के मारे बोलने में भी डर लगता है कि मुंह अगर कैमरे पे दिख गया तो सरकारी नौकरी तो गई। ये आप किस तरह से अग्निवीर को देखते हैं, आप एक फौजी रहे? देखिए अग्निवीर जो है एक फ्लोप इनकी योजना है, अभी हमारे कुछ एक अमृतपाल जी जो है पंजाब से थे वो शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं हुआ मिला, आज ये जितने भी बच्चे हैं अग्निवीर योजना से परेशान है, उसी के मारे हुए बच्चे हैं, इन बच्चों ने लगभग अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का 10-10 साल जो है खेतों में खलिहानों में पसीना बहा करके, इनके माँ बाप ने इन बच्चों को अपने गहने गिरवी रख करके, अपनी ज़मीनें गिरवी रख करके इन बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाया। नहीं अब मैं यहाँ रुकूंगा एक बार, मैं एक शब्द इसके लिए प्रयोग करना चाहता हूँ, जो अग्निवीर योजना ये तो ठेके पर लड़ने वाले आपने तैयार किया, जब वो बाहर हो जाए तो बाहर कर दो, जब करना अंदर कर लो, बिल्कुल देश की आबादी को यूज़ करना। अग्निवीर योजना लाई किस लिए गई है आप बताइए? अग्निवीर योजना मैं आपको बताता हूँ, सरकारों को फौजियों फौजी भाइयों की पेंशन देना दुर्लभ हो रखा था, फौजियों की जो पेंशन का बोझ उठाना मुश्किल हो रखा था, फौजियों की पेंशन बंद करने के लिए योजना लेके आई गई। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की पेंशन बंद करी, उनको पर हथौड़ा मारा, अब बची कुची थी सेना, अब सेना की भी जो अग्निवीर के माध्यम से जाएंगे उनकी पेंशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यानी कि इन नेताओं को 5 साल लूटते खाते हैं, इनको पेंशन चाहिए, एक बार नेता बन गया 1 पेंशन, 10 बार बन गया 10 पेंशन, यानी इनको 10-10 पेंशन चाहिए, लेकिन देश के कर्मचारियों को पेंशन देने की क्षमता में सरकार नहीं है, तो ऐसी सरकार हमें क्यों चाहिए साहब? नहीं सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस दरमियान 2014 में मोदी जी ने जनता से वोट मांगा था, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, यानी कि सृजित भी करना था, रोजगार बनाना भी था। रोजगार बनाना तो छोड़िए साहब, देश में हुए 11 प्रधानमंत्रियों ने
करीब करीब 188 PSU बनाए और सिर्फ 10 को प्राइवेटाइज किया गया था उस वक्त में। मोदी जी ने आज तक एक कुछ देश के लिए बनाया नहीं, लेकिन सारे को बेचने पे उतारू हैं हम। इंदिरा गांधी ने करीब करीब 68 PSU बनाए, राजीव गांधी ने 16 बनाए, मनमोहन सिंह ने 17 बनाए, इनके अटल बिहारी जी ने 17 बनाए थे। तो जिस प्रधानमंत्री ने कुछ बनाया नहीं, और जो संस्थान, युवाओं को समझना पड़ेगा यहाँ जो खड़े हैं, जिस जो संस्थान में नौकरियां दी जाती रही है उन संस्थानों को प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है। इस देश में करीब करीब 3.5% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, और 3.4% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं फॉर्मल प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, जिसमें पेंशन हो, उसकी सैलरी महीने में मिलती हो, दिहाड़ी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनफॉर्मल लेबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनफॉर्मली काम करते हैं, फॉर्मली 3.5%। आप युवा हैं, आपने पूरी तैयारी करी, अब उन्होंने अग्निवीर ला दिया, आपकी सारी वैकेंसी कैंसिल कर दी, किस तरह से देखते हैं मौजूदा सरकार की नीति को? सर, मौजूदा सरकार की नीति तो यही थी कि पहले जनवरी 2020 के अंदर आप भारतीय वायुसेना की एक भर्ती लेकर आए, जिसका मार्च 2020 में आपने पेपर करवाना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। चलो, सार्वत्रिक समस्या थी, सबके लिए थी। नवंबर 2020 में उसका एग्ज़ाम कराया गया, जनवरी 2021 में उसके फिजिकल हुए, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हुए, यहाँ तक कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी यहाँ पर जारी हुई, और उसके बाद जब बच्चों की ज्वाइनिंग होनी थी तो केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड की वेबसाइट पर एक नोटिस आया कि प्रशासनिक कारणों से देरी में जो ज्वाइनिंग है उसमें देरी की जाती है। कोविड का कोई इसमें वो नहीं था, कोविड तो जा चुका था। उसके बाद इसको बढ़ाया जाता रहा और लगभग एक वर्ष की अवधि तक बच्चों को केवल आश्वासन ही दिए गए कि ज्वाइनिंग होगी होगी। बच्चे राजनाथ सिंह जी से भी मिले इस दरमियान, जो बीजेपी ने रैलियां करवाई उनमें भी उन्होंने नारे लगाए, तो भी हमारे जो रक्षा मंत्री है माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यही कहा होगी होगी होगी, वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। उसके बाद आप जून 2022 में आप एक योजना लेके आते हैं। चलो, मैं अग्निपथ के बारे में ना कोई सकारात्मक पहलू बताऊंगा ना नकारात्मक, अग्निवीर योजना के बारे में, लेकिन बात ये थी कि जो बच्चे एक वर्ष से आप आश्वासन दिन को दिए जा रहे थे, आपने उनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। एक वर्ष तक वो बच्चे, क्योंकि फौज में जाने के लिए मेडिकली मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है, वो बच्चे प्रिपेयर होते रहे, और जब आप अग्निपथ योजना लेके आए तो अग्निपथ था योजना का नाम, अग्निवीर तो फौजियों को कहेंगे, अग्निपथ योजना थी, और अपनी अग्निपथ योजना लेके आए, उसके तुरंत बाद जो एक वर्ष से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे उनको दरकिनार किया और नई भर्ती निकाल दी एक महीने के भीतर। तो जिस तो वैसे ही अग्निपथ पे चलते आ रहे हो, जब सब कुछ खत्म हो गया तो अब तो अग्निपथ पे ही चल रहे हो। जिंदा लाश है सर, हम तो अग्निपथ पे क्या चल रहे हैं। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, दिल्ली हाईकोर्ट में हमने केस लड़ा प्रशांत भूषण सर की अगुवाई में, वहाँ से भी हमें निराशा मिली। तो ये तो अंतिम विकल्प था धरना प्रदर्शन का, अब हम किसी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। जी, मैं मोदी साहब से प्रार्थना करूँगा, एक गार्जियन के तौर पर हम इनके साथ आए, मैं फौजी रिटायर्ड फौजी हूँ, इनके साथ आए हैं, अपील करता हूँ या तो इनकी सुन लीजिए। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 2014 से पहले घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगा करके मोदी साहब आपको सिंहासन पर बिठाया। ठीक बात बोल रहा हूँ बच्चों का? बोलो, ये वही बच्चे हैं, ये यही यूथ हैं। अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो 2024 में ये बच्चे यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? संकल्प लेके जाएंगे कि 2000 में मोदी साहब आपकी सरकार की छुट्टी नहीं कर देंगे जब तक ये घर में खाना नहीं खाएं, घर में जा करके। ठीक बात है, गलत बात है? ये कमर कस के आए हैं और इनके साथ हम फौजी हैं, बिल्कुल हम भी 10 महीने से लगे हैं। आप तो आते हैं भाई, सब कवर करते हैं। आज तक सरकार ने जहमत नहीं समझी कि बैठ करके हमारी बात करें कि भाई आप क्या भी संगतियों झेल रहे हैं। 300 दिन से तो बैठे हुए हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। इसलिए सरकार में आ गया अहंकार। हमारे यहाँ कहावत है कि विनाश काली विपरीत बुद्धि, जब गिदड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ आता है, कि आपने किसानों से पंगा ले रखा है, आपने जवानों से पंगा ले रखा है और इन नौजवानों से पंगा ले लिया। आने वाले वक्त में 2024 में सरकार जो है बिल्कुल नहीं रहने वाली है। हम सभी जितने भी देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, सौगंध आपको इस माँ भारती की, एक सैनिक सौगंध देता है, सैनिक कभी कुछ नहीं मांगता। आप लोग देशवासियों, ऐसी बहरूपिया सरकार को जो देश राष्ट्रवाद की बातें करती है, सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अरे बचा लो मोदी साहब को, नहीं अगर ये जीत हार गए तो आपकी बार हिंदू ही नहीं बचेगा। क्या बात करें मोदी साहब, जब मुगलों का राज रहा तब हम सुरक्षित रहे, आज हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जितने सारे मुख्यमंत्री सारे हिंदू, हम कहाँ खतरे में हैं? आप क्यों देश को बहका रहे हैं? हम कोई खतरे में नहीं है, लेकिन आपकी कुर्सी जरूर खतरे में 2024 में पूरे देश के बच्चों से। मैं चाहूंगा कि आप हमारे बीच में जो युवा खड़े हैं, इनके चेहरे को आप गौर से देखेंगे, कितनी मायूसी है चेहरे पे,
और मायूसी इस बात की है और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मजबूरी है कि हर के माँ बाप ने एक सपना देखा होगा कि 6 महीने साल भर बाद हमारा बेटा जॉब मिल जाएगी, कम से कम माँ बाप को कुछ देना दो, कम से कम सेटल हो जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए जिस दौर से ये गुजर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा है अभी पीछे ही कि युवा चाड़ी जाते हैं, युवा किसान महिला गरीब, तो ये युवा है लेकिन इनकी प्रजाति बेरोजगारों की कर दी गई है। आप कहाँ से आए? मेरा नाम सतपाल सिंह सिसोदिया है। मैं कल भी इन भाइयों के साथ था यहाँ पर 4 घंटे और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी 27 से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मुझे पार्टी की तरफ से, मैं इन भाइयों के प्यार की तरफ से, इनके उस आक्रोश को देखते हुए इनके भोजन की व्यवस्था करके लेकर के आया हूँ। क्या क्योंकि कल से बेचारे पता नहीं किस हालात में थे, किस तरह से गुजर रहे थे, और मैं इनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ कि मोदी जी का जो इन्होंने घर घर हर हर मोदी घर घर मोदी करके जो बैठाया था इन युवाओं ने, उन युवा आज जान चुका है कि भी मोदी जी कितने एक जो इनका शोषण कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय कर रहे हैं उनकी सरकार। घर घर मोदी हर हर मोदी का जो नारा दिया था इन युवाओं ने, ये युवा अभी फौजी भाई ने बताया कि वो एक संकल्प लेके जाएंगे कि इस मोदी जी को उसके घर बिठा देंगे, गुजरात भेज देंगे दिल्ली आने वाले 24 के चुनाव में। भारत सरकार की उस केंद्र सरकार की उस नीतियों के बारे में उनको पता लग जाएगा। इन बेचारों का क्या कसूर है कि इन्होंने 2 साल 4 साल 5 साल अपना फिजिकल और टेस्ट भी दिया, फिजिकल मेहनत की इनके परिवारों ने, इनके पीछे पैसा लगाया, अपना घर का पैसा लगा दिया, वो बर्बाद कर दिया, इनका समय खराब कर दिया, इनका जीवन खराब कर दिया, ताकि आगे ये फ्यूचर में जॉब के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, सवाल यहाँ पे ये है कि कहते हैं कि हम 2024 में मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। आप उखाड़ भी देंगे तो क्या उखरेगा उन लोगों का? जितने भी मंत्री नेता बने हुए सबके पेंशन मिलेंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब फ्री है। सफर तो अल्टीमेटली उनका तो जीवन, बाकी जीवन आराम से गुजरेगा, लेकिन इनका जवानी के अंदर जो दहलीज पे पांव ही रखा है इन्होंने, इनका जीवन कैसे गुजरेगा? क्या जो इम्पैक्ट है उन नेताओं मंत्री पे पड़ेगी जो 10 साल से मंत्री रह के चले भी गए, क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो इनके सामने पहाड़ बन के खड़ा होगा, जो रोजी रोटी फिर कमाए, एज तो निकल गया होगा। कोई भी सरकार आएगी, अगर किसी भर्ती का एज लिमिट 26 है तो वो 29 नहीं कर देगी, वो 29 नहीं कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं जेहन में जिसने इनकी जिंदगी बर्बाद करी है उसकी छवि या फोटो लगा के जिंदगी और माला चढ़ाएंगे ये। आप कहाँ से आए? सर मैं हरियाणा से आया, मेरा नाम अंकुश कुमार है। सर हमने भर्ती देखी थी 2020-21 में, तो उस टाइम पे हमने बहुत मेहनत की थी, ना दिन देखा ना रात देखी, बारिश में भी दौड़े हैं, यहाँ तक कि ये उम्मीद थी कि घर वालों के भी बेटा भी फौज में जाएगा, तीसरी पीढ़ी फौज में जाएगी, ये उम्मीद थी। मेरे पिताजी भी और दादाजी भी फौज ही रहे हैं, तो मैं भी चाहता था फौज में जाऊँ। मुझे उस वर्दी से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है ज़िंदगी में, बट सारी मेहनत करने के बाद, सारे हर्डल्स को पार करने के बाद में भी हम यहाँ पे आज खड़े हैं, तो क्या? चलिए, मैं जितने से भी बात किया, सबके चेहरा आपको दिखाया, सब कह रहे हैं कि फौज में जाने का एक जुनून था, और इसलिए जुनून था कि वाकई हमारे देश के युवा ही सच्चे देशभक्त है, इसलिए जुनून था। लेकिन अगर फौज में नहीं जा पाए तो मैं इनको एक सलाह देता हूँ ऑन कैमरा कि कम से कम एज तो निकल गई नौकरी की, कोशिश करना कि मंत्री नेता बन जाए और बॉर्डर पे जाकर टोपी लगा के फौज वाले के बीच में कम से कम खड़ा आ जाओ बिना पढ़े लिखे ही, जैसे लोग बाग खड़े हो रहे हैं फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई हेलमेट यूं लेके चल रहा है, कोई वर्दी यूं लेके, पूरी ट्रेनिंग करके फोटो खिंचवाने आते हैं लोग। समझ तो आप गए होंगे, जनता समझदार है, तो एक ही काम रह गया कि नेता बनो और फोटो खिंचवाओ। खैर, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नौजवान है, और सोचेगा कि इस देश के अंदर में हमारे नौजवान जिनका अभी से पॉलिटिकली कैसे इस्तेमाल करना है 2024 के इलेक्शन में, तो अब सारी जातियां खत्म हो गई, अब युवा सामने खड़े हैं बेरोजगार प्रजाति के, महिला इनकी माँ होंगी, कई के महिला ही माँ होती है, गरीब इनके पिताजी होंगे और कई के पिता किसान हैं, तो चारों प्रजाति यही खड़े हैं ना जिनकी नाम ले रहे हैं। मंत्री जो भी आते हैं फौज भी ड्रेस व्रेस पहनते हैं, ये सब करते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके फादर साहब कारगिल में शहीद हुए हैं, वो बच्चे भी हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारे साथ में 1.5 लाख में कई लड़कियां भी रही हैं, MNS भर्ती वाली लड़कियां रही हैं, CMP में गर्ल्स थी तो वो भी रिक्रूटमेंट वाली हैं, तो उनके साथ भी गलत हुआ है, तो ले देके सबका बेड़ा गर्क कर रखा है सरकार ने, सबका बेड़ा गर्क कर रखा है। वो आपने सुना होगा ना, अंजाम है गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। नमस्कार।